हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको टाइटल देख के ही पता चल गया होगा कि ये चैनल किस बारे में है, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी का ट्रेलर, जो कि RRR है। भाई, लाजवाब, दमदार, उम्दा, माइंड बॉगलिंग, क्या बोलूँ मैं, सब कम है। आई एम लिटरली स्पीचलेस आफ्टर वॉचिंग दिस ट्रेलर। और सच कहूँ तो भाई, ये एक इंस्पिरेशन है अदर्स मूवी मेकर्स के लिए कि हाउ टू शोकेस दियर ट्रेलर। इट वॉज अ मास्टरपीस। सो विदाउट फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। ये मूवी बहुत दिनों से चर्चा में थी एंड इट गेन अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी इवन जब से ये फिल्म बनना स्टार्ट हुई थी। और फाइनली हम लोगों का वेट ओवर हुआ और इसका ट्रेलर कल ही लॉन्च हो चुका है एंड इट वॉज अ फ्रीकिंग मॉन्स्टर ट्रेलर। अब इस ट्रेलर के बारे में बात करते हैं तो इसमें लीड एक्टर्स NTR और रामचरण, जो कि साउथ इंडस्ट्री के सुपर डुपर स्टार हैं। और हो भी क्यों ना, जैसे कि इनकी एक्टिंग एकदम शानदार और लाजवाब है। और लीडिंग एक्ट्रेस आलिया भट्ट, जिनकी एक्टिंग का ग्राफ दिन पर दिन ऊपर होता जा रहा है। MM करीम साहब ने जो BGM दिया है वो तो नेक्स्ट लेवल है, एकदम धमाकेदार। तो अगर हम बात करें मूवी की स्टोरी लाइन की, तो हमें पता चलता है कि 1920s, जो कि ब्रिटिश गवर्न टाइम था, उस टाइम में हमें ले जाता है जिस वक्त आदिवासी जमाती जाति पर बहुत जुल्म किया जाता था। और उस टाइम दो रिवॉल्यूशनरी रेबल सामने आए जिन्होंने अंग्रेज़ों और उनके कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो पहले थे कोमाराम भीम एंड अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि रियल में कैरेक्टर थे उस वक्त के, और उन्हीं की कहानी पर ये मूवी फिक्शनल बेस्ड मूवी होगी। टाइटल RRR का मतलब है राइज, रोर एंड रिवोल्ट, जो कि पूरे तरीके से जस्टिफाई करता है मूवी को। डायरेक्शन सो डायरेक्टेड बाई राजमौली सर, जिन्होंने अपने डायरेक्शन से बाहुबली मूवी को मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ इंडियन सिनेमा बना दिया। इस ट्रेलर ने तो बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया है भाई। NTR और रामचरण की एंट्री गजब ढा रही है। NTR का शेर के सामने दहाड़ना और रामचरण का आग में से निकल कर तीर चलाना, वाह। और ये भी ट्रेलर से पता चल रहा है कि इन दोनों की दोस्ती बेमिसाल होगी और शायद यादगार भी, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शायद दुश्मनी भी होगी, जो कि क्लाइमेक्स में फिर से दोस्ती में बदल जाएगी। और ये दोनों मिलकर अंग्रेज़ों का सामना करेंगे, जिससे देखना वाकई में बहुत कहर ढाने वाला है। सिनेमैटिक शॉट्स तो भाई देख के गूज़बम्स आ गए थे। ऐसा स्पेक्टैकुलर ट्रेलर मुझे नहीं लगता इंडियन सिनेमा में कभी आया था, एक्सेप्ट बाहुबली। बाय ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसी होगी, हम सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं। थिएटर में तो बिल्कुल होश उड़ने वाले हैं लोगों के। ग्राफिक्स से लेकर कैमरा एंगल शॉट, जिस तरीके से फिल्माया गया है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है बॉस। तो ये मूवी आ रही है थिएटर्स में 7 जनवरी 2022 को, एंड आप सब तैयार हो जाइए इस मोस्ट अवेटेड मूवी को एक्सपीरियंस करने के लिए। एंड आई जस्ट कांट वेट टू सी दिस मूवी इन थिएटर्स। तो अगर मेरा रिव्यू पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड शो सम लव बाय शेयरिंग माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय।